हल्द्वानी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रामलीला मोहल्ले में एक होटल में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर के रुद्रपुर निवासी 25 साल की महिमा ने बीती रात रामलीला मोहल्ले में स्थित एक होटल में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में जब सुबह काफी देर तक उनका कमरा नहीं खुला तो शक होने पर होटल कर्मियों ने दरवाजे को तोड़ दिया। ऐसे में जब अंदर देखा तो महिला फंदे से लटकी हुई थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर क्यों महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला इससे पहले भी काफी बार इस होटल में आ चुकी है। ऐसे में अब होटल कर्मियों की ओर से घटना की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की कार्रवाई में भी पुलिस की टीम जुट गई है।